देखा आपने, दिग्विजय सिंह आजकल भड़के हुए हैं। दिग्विजय ने एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भगा दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पत्रकारों के सामने ही खदेड़ दिया। वीडियो कब का है ये सब हम आपको जल्द ही बता देते हैं। दरअसल एमपी में विधानसभा चुनावों में हर हाल में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने कमर कस ली है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है। ये दोनों नेता राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। ये वीडियो इंदौर का है। दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे हुए थे, लेकिन इस दौरान दिग्विजय अपना आपा खो बैठे और अपनी कुर्सी छोड़कर कार्यकर्ताओं को मीटिंग रूम से दरवाजे तक खदेड़ते हुए चले गए। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने इंदौर दौरे में मंडलम कार्यक्रम को संबोधित किया था। उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की और यहीं वो कुछ नेताओं पर गुस्सा हो बैठे। अब इस वीडियो को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सलूजा ने शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, यह है कांग्रेस की मोहब्बत। बुरहानपुर के बाद इंदौर में भी आपा खो बैठे दिग्विजय सिंह। खैर, अब दिग्विजय का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि बीजेपी उनके इस तरह के व्यवहार पर हमलावर दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।